हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल द फिजिक्स कोचिंग में। हम पढ़ रहे हैं न्यूक्लियर फिजिक्स। अब न्यूक्लियर फिजिक्स की हम साथ साथ में क्या करेंगे, टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे। तो डेली हम 20 से 25 क्वेश्चन करेंगे, तो आज हम इसका पहला पार्ट कर रहे हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनके दिए काम आ सके। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज द डेविएशन ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए न्यूक्लियस फ्रॉम स्फेरिकल सिमेट्री कैन बी एस्टिमेटेड बाय मेजरिंग इट्स। मतलब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से और स्फेरिकल सिमेट्री को कैसे पता कर सकते हैं। तो अपन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से स्फेरिकल सिमेट्री का कैसे पता कर सकते हैं। जैसे अगर मान लो न्यूक्लियस का चार्ज जीरो है तो वो क्या होगा, एकदम स्फेरिकल होगा। और क्यू की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो या लेस देन जीरो होगी तो वो कुछ ऐसे ऐसे शेप में होगा। ओके, तो अपन क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक क्वाडरपोल मोमेंट से न्यूक्लियस की शेप पता कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। और आज की ये क्वेश्चंस आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से जाके आप क्वेश्चन प्राप्त कर सकते हैं और आप फिर से इनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्राउंड स्टेट ऑफ द ड्यूट्रॉन। तो ड्यूट्रॉन की ग्राउंड स्टेट होती है वो मिक्स होती है, वो 90.96 और 0.04। तो 0.96 तो वो 3s में रहता है, 3s1 में रहता है, और 3 और 0.04 वो 3d1 में रहता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाता है डी। और ये अपन ने अपने पिछले लेक्चर्स में की थी, जब हमने ड्यूट्रॉन पढ़ा था तब इसके बारे में अपन ने बात की थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, न्यूक्लियर विथ आर बीटा इमिटर्स लाइक, मतलब बीटा इमिशन होता है तो कहाँ स्थित होता है वो, तो ये क्या है, जेड बराबर एन की लाइन है, तो बीटा इमिशन कहाँ कहाँ होता है, जब बीटा इमिशन जब होता है जब न्यूट्रॉन की संख्या क्या ज़्यादा हो। ये क्या है, न्यूट्रॉन, ये न्यूट्रॉन है यहाँ पे और यहाँ पे है जेड, तो न्यूट्रॉन की संख्या ज़्यादा होगी तो कर्व कहाँ आएगा, यहाँ आएगा इस जेड बराबर एन लाइन के ऊपर, तो अबोव द लाइन ऑफ बीटा स्टेबिलिटी। ये जेड बराबर एन वाली क्या होती है, बीटा स्टेबिलिटी लाइन होती है। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर थर्ड हो गया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, रफ कर देता हूँ मैं इसको, और आपका जो भी सजेशन हो वो मैं आप कमेंट बॉक्स में दे देना, जिससे मैं आपको और बेहतर और आप जो चाहते हैं वो आपको प्रोवाइड कर सकूं। फोर्थ क्वेश्चन है, द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस इज मैक्सिमम फॉर द न्यूक्लियस। बाइंडिंग एनर्जी पूछिए कि कौन से न्यूक्लियन के लिए मैक्सिमम होती है। तो हमने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का ग्राफ देखा था, तो वो कुछ ऐसे ऐसे था, ऐसा तो नहीं था, खैर कुछ ऐसा सा था। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था फेरस 56 विथ बाइंडिंग एनर्जी 8.8 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी मैक्सिमम किसकी हो गई, फेरस की, तो ए आंसर आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू म्यूऑन थ्योरी ऑफ न्यूक्लियॉन्स न्यूक्लियर फोर्स, जो म्यूऑन्स की न्यूक्लियर फोर्स थ्योरी है, तो उसके अनुसार क्या है इसमें जो सही है।
तो इसमें पहला ऑप्शन है ए न्यूटॉन इमिट ए पाई माइनस म्यून एंड कन्वर्ट इनटू ए प्रोटॉन, मतलब न्यूट्रॉन कन्वर्ट इनटू प्रोटॉन प्लस पाई नेगेटिव, ठीक है। तो यही अपना पहला ऑप्शन ही सही हो गया। और प्रोटॉन किस में कन्वर्ट हो जाता है, न्यूट्रॉन प्लस पाई पॉजिटिव, और प्रोटॉन कन्वर्ट होता है प्रोटॉन प्लस पाई जीरो, और न्यूट्रॉन भी न्यूट्रॉन प्लस पाई जीरो। तो ये क्या है, म्यून थ्योरी ऑफ फोर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ देखने में सही रहे। द मीन मोमेंट ऑफ ए न्यूक्लियन इन ए न्यूक्लियस विथ मास नंबर ए वेरीज। अब देखो, ई प्रोपोर्शनल किसके होता है, पी के, और हम जानते हैं ई प्रोपोर्शनल किसके होता है, ई प्रोपोर्शनल होता है ए टू पावर माइनस 1/3। कैसे, हम जानते हैं डेल्टा एक्स डेल्टा पी, एक सेकंड, हम जानते हैं डेल्टा एक्स डेल्टा पी प्रोपोर्शनल टू एच कैट, ओके, डेल्टा पी प्रोपोर्शनल टू 1/ डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स क्या होता है फॉर न्यूक्लियस आर 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 नॉट ए टू पावर 1/3। तो डेल्टा पी किसके प्रोपोर्शनल हो गया, ए टू पावर माइनस 1/3। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आइडेंटिफाई द रिएक्शन विच हैज द सेम ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी एज पाई प्लस प्लस पी कन्वर्ट पाई प्लस प्लस पी। तो सेम रिएक्शन, अगर प्रोटॉन दे रहा तो सेम रिएक्शन ही कौन देगा, न्यूट्रॉन। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, न्यूक्लियर फोर्स आर स्पिन डिपेंडेंट, ऑब्वियसली स्पिन डिपेंडेंस हैव नो नॉन सेंट्रल पार्ट। तो हम जानते हैं कि न्यूक्लियर आर सेंट्रल पार्ट, तो आपका ए क्वेश्चन सही हो जाएगा। इसमें थोड़ा बहुत पार्ट होता है जो सेंट्रल का होता है, लेकिन अपने को ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एसिमेट्री टर्म इज विस्कस सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला इज बिकॉज ऑफ। जो एसिमेट्री है वो किसके कारण है, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर में जो डिफरेंस है उसके कारण है। तो यूनिक नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस, ओके, तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, थोड़ा और ऊपर कर देते हैं इसको। द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम न्यूट्रॉन एंड यूरेनियम 238 आर गिवन, दिस एंड दिस रिस्पेक्टली। द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ देयरफॉर एक्सपेरिमेंटल इक्वल टू,
अप्रोक्सीमेट, तो अपने को बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है, और बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है? यूरेनियम 238 की बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है, तो जेड एम पी या एन हाइड्रो एम हाइड्रोजन प्लस एन जेड माइनस ए जेड माइनस ए एम एन माइनस मास ऑफ यूरेनियम, ठीक है, इनटू अपने को एनर्जी निकालनी है, तो एनर्जी क्या होगी 3.31.64 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको मेगा इलेक्ट्रो वोल्ट, तो ये आपके है बाइंडिंग एनर्जी। तो इसको आप सोल्व करोगे, जेड की वैल्यू 92 और एम की एम पी की वैल्यू 1.0078 प्लस ये कितने हो गए यूरेनियम 238 माइनस 146 और एम एन की वैल्यू है 1 × 1.0087 माइनस मास ऑफ यूरेनियम, तो यूरेनियम का मास कितना हो गया 238.0508। ओके, इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, 931.64 मेगा इलेक्ट्रो वोल्ट, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये इक्वल आ जाएगा 1800 मेगा इलेक्ट्रो वोल्ट। ओके, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एज वन मूव्स अलोंग द लाइन ऑफ स्टेबिलिटी फ्रॉम फेरस टू यूरेनियम न्यूक्लियस, द न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर पार्टिकल डिक्रीजेस फ्रॉम अबोव 8.8 move to 7.6, this trend is mostly due to just a second, तो ये मतलब highest अपने पास highest binding energy पर nuclear nature होती है, तो यहाँ पे 8.8 होता है, ठीक है, और फिर इसके बाद ये decrease होने लग जाता है, तो ये decrease किसके कारण होता है, तो ये किसके कारण होता है, अपने अपने पास extra term कौन सी होती है, अपने पास extra term होती है ये किसकी वजह से, इसकी वजह से शॉर्ट रेंज न्यूट्रॉन ऑफ न्यूक्लियर फोर्स, जैसे जैसे न्यूक्लियन का साइज बढ़ता जाता है तो वो क्या होता है अपने कोर से क्या होता है दूर होता जाता है, तो क्या होता है साइज बढ़ती जाती है, लेकिन न्यूक्लियर फोर्स क्या है शॉर्ट रेंज, तो बाइंडिंग एनर्जी कम होती जाती है। ओके, अगला क्वेश्चन, मास ऑल्थो मास एनर्जी इक्विवेलेंस ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी अलाउ कन्वर्ट द प्रोटॉन टू एन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पेयर सच एज प्रोसेस कैन नॉट ऑक्योर इन फ्री स्पेस बिकॉज द मोमेंट इज नॉट कन्वर्ट इन स्पेस। ओके, तो मोमेंट कन्वर्जेंशन है वो नहीं होता, जिस वजह से ये पेयर इन फ्री स्पेस, ये फ्री स्पेस के अंदर नहीं होता। तो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन फॉर टोटल बाइंडिंग एनर्जी बी फॉर न्यूक्लियस इज करेक्ट। ओके, तो बाइंडिंग एनर्जी का अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था, वो क्या होता है बी ड्यू टू सरफेस टर्म ड्यू टू वॉल्यूम टर्म ड्यू टू सरफेस टर्म ड्यू टू कूलम टर्म ड्यू टू सिमेट्री एंड ड्यू टू पेरिटी। तो यहाँ पे प्लस माइनस आएगा, प्लस माइनस डेल, तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा।
What is binding energy? Binding energy is A1A minus A2, A to power 2 by 3 minus A3, Z, Z minus 1 upon A to power 1 by 3 minus A4, A minus 2Z ka whole square upon A plus minus del. Okay, ये अपने पिछली क्लासों में पढ़ाई था, तो कुछ बताने की इसमें जरूरत नहीं है. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. अगला क्वेश्चन है with reference of nuclear force, which of the following statement is not true? The nuclear force are, the nuclear force are short range होते हैं, spin, charge dependent होते हैं, spin और velocity dependent. तो ये शायद क्वेश्चन गलत है, तो इसको एक बार छोड़ देते हैं, क्योंकि स्पिन डिपेंडेंट तो होता ही है. स्पिन इसको छोड़ देते हैं एक बार. द अगला क्वेश्चन, द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज इन ए न्यूक्लियस इज, तो हमने पढ़ा था कि हाईएस्ट एनर्जी ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हमने प्राप्त की थी फॉर फेरस के लिए 56, तो ऑलमोस्ट कितनी हो जाएगी 10 मेगा इलेक्ट्रो वोल्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें. तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, द फॉलोइंग गिवन लिस्ट ऑफ पेयर कंटेन वन ए न्यूक्लियस एंड ऑफ इट्स प्रॉपर्टी. फर्स्ट इसका न्यूक्लियस के बारे में और सेकंड इसकी प्रॉपर्टी है, तो विच पेयर इज इन एप्रिपेट. तो इसमें गलत कौन सा ये बताना है. तो न्यूक्लियस नियोन, नियोन क्या है, नियोन एक स्टेबल न्यूक्लियस है. जानते नियोन का जेड अक्षरमार्क 10 होता है और जेड और एन भी 10 होता है, तो ये तो एक स्टेबल है. पीरियोडिक सारणी से अपने को पता ही है. और एक स्फेरॉइड क्या होता है, स्फेरॉइड में क्या होता है, इलेक्ट्रिक क्वाडरपोल मोमेंट होता है, क्योंकि अगर क्वाडरपोल मोमेंट नहीं होगा तो एकदम पूरा स्फेयर होगा, अभी कुछ चार्ज होगा तो स्फेरॉइड हो जाएगा. और यूरेनियम 238 जिसकी बाइंडिंग एनर्जी अपन ने अभी 1800 निकाली थी ऑलमोस्ट, तो ये 1800 अब ये आ जाएगा. ये क्या है, न्यूक्लियर स्पिन, तो ये क्या है, करेक्ट नहीं है. ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. अगले क्वेश्चन इज, ए हेवी न्यूक्लियस इज फाउंड टू कंटेन मोर न्यूट्रॉन देन प्रोटॉन. दिस फैक्ट इज रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट. तो द न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन न्यूट्रॉन इज स्ट्रॉन्ग देन प्रोटॉन. The nuclear force between proton is of a short range. Those between neutrons, ye to that a similar number of proton are held together by nuclear force. Ye bhi sahi nahi hai. Proton are unstable, so their number in the nucleus diminishes. No, ye bhi sahi nahi hai. The cost more energy to add a proton to a nucleus than a neutron because the Coulomb repulsion between protons. तो ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है. अपने को एक प्रोटॉन ऐड करने के लिए न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन से ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी. क्यों? क्योंकि प्रोटॉन प्रोटॉन के अंदर क्या है, न्यूक्लियर फोर्स, प्रोटॉन प्रोटॉन कोलंबिक रिपल्सन होता है, जिसकी वजह से अपने को ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी. तो ये आपका सही है. जैसे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज मैक्स, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज मैक्स इज फेरस. बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन लाइक दिस, आई टोल्ड मेनी टाइम्स इन दिस लेक्चर. ओके, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट. नाउ क्वेश्चन 20, द न्यूक्लियर डेंसिटी इन kg
MMQ, तो न्यूक्लियर डेंसिटी केजी एम एम क्यू इज 10^8. द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज अप्रोक्सीमेट कॉन्स्टेंट. दिस लीड टू नाउ क्वेश्चन 21 एंड 22 इज योर होमवर्क. तो टेल मी इन द कमेंट बॉक्स. और आपको कितना ये सेशन पसंद आया वो भी आप जरूर बताएं, और क्या इम्प्रूव करूं मैं इसके अंदर ये भी आप मेरे को बताएं. तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट में बता देना जो आपकी इच्छा हो. ठीक है, गुड बाय, हैव ए नाइस डे.